Korean mo ni? Kan si Chong may Korean. Nga kapay ng. उधर आके बैठ जाइए भैया क्या सोच रहे हैं अभी फूटा है सिलेंडर 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 नहीं है पहले में भी फूटा है बड़ा वाला ये था ना गैस था ना ये नहीं होगा दूर रहे यार सिलेंडर है ब्लास्टिंग होगा इसमें रुकेगा नहीं ये हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज 6 दिसंबर है सो 5 दिसंबर को हम लोग का जो तीसरा मेरा होम टाउन का मार्केट पूरा जल गया किस वजह से जला वो अभी तक पता नहीं चला है तो लगभग आज कितने दुकान जला था दुकान का उसके बाद में लगभग 7 या 8 दुकान जल गया वो मेन दुकान ही था हम लोग का ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा होम टाउन जो सो अभी हम लोग मार्केट जा रहा है देखेगा अभी कितना लॉस्ट हुआ है कितना जला है कल दिन का 11 बजे से जला था दुकान तो शाम तक रात हो गया था आग बुझाते बुझाते सो अभी देखने जा रहा है दुकान कितना जला है कितना लॉस्ट हुआ है को भी दिखाएंगे बने रहना वीडियो में ये नेक्स्ट सुबह का सीन है देखिए राहुल मंगल का ना ये देख सकते हैं आप लोग आग अभी तक नहीं बुझा ये जल रहा है और भी तीन लोग बापो का ये देखिए मेरा नीचे लड़का लोग काम कर रहा है अभी पूरा सफाई कर रहा है दुकान किस वजह से जला अभी तक पता नहीं चला बाद में धीरे धीरे पूछताछ करके मालूम हो जाएगा लेकिन कोई बताएगा भी नहीं अभी इस वजह से जला है बोल के लेकिन अभी काम चल रहा है अभी पूरा सफा कर रहा है लॉस थे लगभग बहुत जल गया दुकान 8 दुकान जल गया इधर देखिए अभी सफाई चल रहा है ठाकुर
हमारे तीसरा वासियों की तरफ से हमारे सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि इधर हमारे तीसरा में फायर ब्रिगेड देना चाहिए, क्योंकि हर साल आग लगता है। इस बार ये सिर्फ फर्स्ट केस नहीं है, ये नक्सा सिन्या नक्सा विलेज में भी आग लग गया था, और ऐसा आग का बहुत केसेस होता है। सो खुंसा से लोंगडिंग से फायर ब्रिगेड लोग पहुँचते पहुँचते देर हो जाता है। सो हमारा हॉनरेबल MLA श्री तानफो सर से और हमारे CM पेमा खांडू जी से ये हमारे तीसा वासियों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ हमारे तीसा में एक फायर ब्रिगेड देना चाहिए। और आज 8 बजे के बाद में जितना तीसा का वोमेन ग्रुप है और जितना तीसा का यूथ है, हम लोग सब मिल के दुकान का जो जल के राख हो गया उनको सफ़ा करेंगे आज को। और मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकेगा डोनेशन बॉक्स में भी डोनेट कीजिए, और जितना हो सकेगा हेल्प कीजिए। कुछ नहीं बचा, सब जल के राख हो गया। सो वीडियो ज़्यादा वीडियो करना सही नहीं लगा हमको, क्योंकि सब दुखी दुखी में था, दुकानदार लोग भी और पब्लिक सब जमा था, सफाई कर रहा था। सो ऐसे समय में ज़्यादा वीडियो करना सही नहीं लगा, तो हम ज़्यादा वीडियो नहीं किया। फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए, जानकारी के लिए थोड़ा कुछ फुटेज लिया है, वो सब आप लोग को देखने मिलेंगे वीडियो में। सो वीडियो को यही एंड करता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर दीजिए जितना हो सकेगा, ताकि और कोई मदद करने वाला अगर मदद कर सकता है तो ज़रूर मदद कीजिए, तीसा वाला लोग को भी, दुकानदार वाला लोग को भी, ताकि वापस अपना पैर में वो लोग खड़ा हो जाए, उसी तरह दुकान फिर से खोल सके। सो बाय।